आप SGTV देख रहे हैं। दोस्तों, अपन सभी महिंद्रा कंपनी का नाम बचपन से सुनते आ रहे हैं और आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी महिंद्रा कंपनी की गाड़ी में सफ़र ज़रूर किया होगा। आज महिंद्रा कंपनी सिर्फ गाड़ियों के बिजनेस में नहीं है, बल्कि उसने अपने पैर बाकी फील्ड्स पर भी अच्छे से जमा लिए हैं और आज वर्ल्ड की टॉप कंपनीज में से एक है। तो चलिए जानते हैं महिंद्रा कंपनी का सफ़र। ये वो साल था जहां पर लुधियाना पंजाब में जन्मे जगदीश चंद्र महिंद्रा। जगदीश चंद्र महिंद्रा, जिन्हें जेसी महिंद्रा के नाम से भी जाना जाता था, अपने 9 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। जेसी महिंद्रा ने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई मुंबई के विक्टोरिया जुबली टेक्निकल इंस्टीट्यूट से की, जिसका नाम आज वीर माता जीजाबाई टेक्निकल इंस्टीट्यूट है। उन्होंने अपने पिताजी को कम उम्र में ही खो दिया था और इसके बाद घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जेसी पर ही आ गई थी। जेसी महिंद्रा एडुकेशन को काफ़ी इम्पोर्टेंस देते थे, इसलिए उन्होंने अपने भाई बहनों को अच्छे से अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ाया। 1929 में जेसी महिंद्रा की टाटा स्टील कंपनी में जॉब लगी सीनियर सेल्स मैनेजर की पोस्ट पे और वहाँ पर उन्होंने 1940 तक काम किया। बाद में उन्होंने टाटा कंपनी की जॉब छोड़ दी और वर्ल्ड वॉर टू के समय में इंडिया के पहले आयरन एंड स्टील कंट्रोलर बन गए। इंडिया अपनी आज़ादी पाने के लिए लड़ रहा था और जगदीश जी को पूरा विश्वास था कि इंडिया अपनी आज़ादी पा लेगा। पर उनका ध्यान सिर्फ इंडिया की आज़ादी पर ही नहीं था, बल्कि आज़ादी के बाद इंडिया के विकास पर भी था। उनको मालूम था कि इंडिया के विकास के लिए स्टील कितना इम्पॉर्टेंट है और इसी को देखते हुए उन्होंने उसी साल अपना घर बेच के अपने छोटे भाई कैलाश चंद्र महिंद्रा, जो कि चेयरमैन थे कोल कमीशन ऑफ इंडिया के, और अपने फ्रेंड मलिक गुलाम मोहम्मद के साथ मिलके महिंद्रा एंड मोहम्मद कंपनी की स्थापना की एक स्टील ट्रेडिंग कंपनी के रूप में। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not only or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. 1947 में इंडिया को आज़ादी मिली और पार्टीशन के समय कंपनी के को-फाउंडर मलिक गुलाम मोहम्मद पाकिस्तान चले गए। बाद में 1948 में कंपनी का नाम महिंद्रा एंड मोहम्मद से बदलकर महिंद्रा एंड महिंद्रा कर दिया। उस समय महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी काफ़ी अच्छा काम कर रही थी और अपने पैर स्टील इंडस्ट्री पर जमा चुकी थी। 1951 में जेसी महिंद्रा की हार्ट अटैक से डेथ हो गई, मगर उनकी कंपनी रुकी नहीं और निरंतर विकास करती रही। बाद में कंपनी को इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अवसर मिला और विलीज जीप लाइसेंस के अंदर जीप की असेंबली करने लगे और जल्द ही इंडिया की जीप मैन्युफैक्चरर भी बन गए। उसके कुछ समय बाद कंपनी लाइट कमर्शियल व्हीकल्स और ट्रैक्टर्स भी बनाने लग गई और कुछ समय में महिंद्रा ट्रैक्टर कंपनी वर्ल्ड की नंबर वन ट्रैक्टर कंपनी बन गई सेल्स के मामले में। आज महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी को जेसी महिंद्रा के पोते आनंद महिंद्रा चला रहे हैं, जिन्होंने अपना MBA हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से किया है। पिछले कुछ सालों में महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी ने फॉरेन मार्केट्स और न्यू इंडस्ट्रीज में भी काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया है और पिछले 10 सालों में 35 से ज़्यादा कंपनीज को एक्वायर कर चुकी है। महिंद्रा को अब सिर्फ SUV, बस, ट्रक और ट्रैक्टर निर्माता के नाम से नहीं जाना जाता, बल्कि इसके पोर्टफोलियो में आज 100 से ज़्यादा कंपनीज हैं, जिनमें कुछ के नाम हैं महिंद्रा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड, महिंद्रा डिफेंस, महिंद्रा एरोस्पेस, महिंद्रा टू व्हीलर्स लिमिटेड, महिंद्रा फर्स्ट चॉइस, महिंद्रा एडुकेशन, सैंगयोंग मोटर कंपनी, महिंद्रा फाइनेंस, क्लब महिंद्रा, टेक महिंद्रा, जावा मोटो, DSA मोटरसाइकिल्स, फर्स्ट क्राई, स्वराज ट्रैक्टर्स और भी कई कंपनीज। महिंद्रा के पोर्टफोलियो में आज लैंड रोवर और जैगुआर जैसी कंपनीज भी होती,
मगर टाटा कंपनी ने ज्यादा बिड लगा के उन कंपनीज को एक्वायर कर लिया था। Here come the red lights. When they go out, the race is on. महिंद्रा के पास अपनी दो रेसिंग टीम भी है जिनके नाम है महिंद्रा फॉर्मूला ई रेसिंग टीम और महिंद्रा मोटो 3 रेसिंग टीम। ये दोनों ही टीम काफी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी का हेडक्वार्टर मुंबई के महिंद्रा टावर्स में है और आज M&M ग्रुप में 1 लाख से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं 100 कंट्रीज में। आज के समय में महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी की नेटवर्थ 11 अरब डॉलर्स की है और खुद आनंद महिंद्रा की नेटवर्थ 1.5 अरब डॉलर से ज़्यादा की है। महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी अब काफ़ी आगे निकल गई है और इसका श्रेय जाता है आनंद महिंद्रा को जिनके विजन और लीडरशिप से कंपनी को सफलता मिली और आज देश की टॉप कंपनीज में से एक है। मेरा नाम कुमारी वर्षावट्टी है, मैं कक्षा 6वीं में पढ़ती हूँ, मैं नन्ही कली हूँ। वैसे तो आनंद महिंद्रा को काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले हैं और एशिया के टॉप 25 मोस्ट पावरफुल पीपल में से भी एक हैं, मगर 1996 में उन्होंने जो NGO की स्थापना की जिसका नाम है नन्ही कली, जिसमें गरीब परिवार की लड़कियों को फ्री में पढ़ाया जाता है, उससे वे काफ़ी प्रसिद्ध हुए। आज इस फाउंडेशन में 70,000 से ज़्यादा नन्ही कलीज को पढ़ाया जा रहा है। ऐसे कईयों प्रोग्राम्स में अपना योगदान दिया है आनंद महिंद्रा जी ने और ये रेगुलर मेंबर भी हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के। ये कहना गलत नहीं होगा कि महिंद्रा को जो सफलता स्कॉर्पियो और बुलेरो ने दिलाई शायद ही कोई दूसरा और प्रोडक्ट होगा जिसने ऐसा किया है। और आज भी कई लोग महिंद्रा को सिर्फ स्कॉर्पियो और बुलेरो के नाम से ही जानते हैं। तो कैसे लगा आपको हमारा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप SGTV देख रहे थे। सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें।